नमस्कार दोस्तों, अगर इंडियन आर्मी में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट से एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और इनवेलॉप को कैसे फिलअप करना है, कैसे भेजना है, सारे डिटेल्स में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए। और फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे जॉब के नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 26 नवंबर की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आपको मिल जाएगा, तो ये नोटिफिकेशन आप उससे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले पार्ट में मैं नोटिफिकेशन के फुल डिटेल्स के बारे में मैं आपको शेयर करूंगा, उसके बाद पार्ट टू में आपको फॉर्म फिलअप कैसे भरना है, कैसे भेजना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट से निकल के आया है, सफाई वाला के लिए पोस्ट निकल के आया है। इसका स्टार्टिंग डेट से 26 नवंबर 2022 से, इसका लास्ट डेट 23 दिसंबर 2022। इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकल के आया है 26 नवंबर की इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे। इसका एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 तक एज लिमिट रखा गया है। और अगर आप आर्म फोर्स सर्विस मैन है तो आपको 3 ईयर का छूट मिलेगा और ओबीसी का भी 18 से 28 तक आपको अलग से छूट मिलेगा। इसमें आपको टोटल 2 पोस्ट है, एक पोस्ट एक सर्विसमैन यूआर के लिए आता है और एक पोस्ट आपको ओबीसी कैंडिडेट के लिए आता है। इसमें आपको टोटल 2 पोस्ट सफाई वाले में मिल जाएगा और इसमें आपको पे स्केल रखा गया है लेवल 1 तक 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन सफाई वाला ट्रेड में आपको क्षमता होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के भी बिल्कुल फ्री रखा गया है। पे स्केल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। वैकेंसी यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है, यूआर एक सर्विसमैन के लिए एक और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक। एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो सफाई वाले के लिए 2 वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें जिसमें आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मार्कशीट, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से, यानी सफाई वाले के लिए मैट्रिकुलेशन भी दे सकते हो, नहीं तो अगर आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप दे सकते हो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा, 10 का सर्टिफिकेट नहीं तो एडमिट कार्ड। उसके बाद कास्ट फॉर्मेट देना पड़ेगा, अगर आप ओबीसी है एक सर्विसमैन है तो भी आपको देना पड़ेगा। उसका फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है और 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 5 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना है। और आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली में आपका जॉब होगा और रिटर्न एग्जाम और प्रैक्टिकल टेस्ट आपको 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट सिग्नल एनवलप पे आपको होने वाला है। और एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू इस एड्रेस 2 देकर 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिख रेजिमेंट सिग्नल एनवलप न्यू दिल्ली 10। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जब इन्वॉल्व के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको 28 डेज के अंदर आपको भेजना है इसका लास्ट डेट के पहले। और इसमें आपको सारे फॉर्म आपको फुलफिल होना चाहिए। इनकम्प्लीट अनसाइन डॉक्यूमेंट्स आपको रिजेक्ट किया जाएगा, विदाउट फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, विदाउट अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सारे फॉर्म सही से फिलअप करना है। और उसके बाद तो आपको कैंडिडेट की रिटन टेस्ट किस और प्रैक्टिकल टेस्ट की एडमिट आपको बाय पोस्ट किया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस एड्रेस पे आपको मेल करना है और टेलीफोन नंबर आपके सामने दिया गया है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर जाके आपको डाउनलोड कर लेना होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ये फॉर्म का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, उस पर जाके आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये फॉर्म आपको सारे ब्लॉक लेटर पर फिलअप करना पड़ेगा और किसी भी कलर इस्तेमाल आप कर सकते हो, व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। और किसी जगह अगर गलती होता है तो फिर से आपको ये पेज पिन करना होगा, ओवर राइट नहीं करना है।
तो यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ देखकर सफाई वाला लिखना होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म सफाई वाला पोस्ट के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट पर आपको फिर से सफाई वाला लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर पे यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। फादर्स नेम पर यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हस्बैंड नेम लिखना पड़ेगा, अगर आपका शादी हो गया तो। डेट ऑफ बर्थ पर यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। एज एज ऑन पर यहाँ पर आपको लास्ट डेट लिखना पड़ेगा, 23 दिसंबर 2022। उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करना है। एज कैलकुलेटर से यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सेक्स मेल की फीमेल आपको लिखना पड़ेगा। नेशनलिटी जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। रिलीजन कास्ट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यानी सफाई वाला पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम 10 पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 10 पास भी दे सकते हो, नहीं तो आपका हायस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको देना होगा। आप जो मेंशन करेंगे इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, उसका फोटोकॉपी देना होगा और ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि सफाई वाला ट्रेड के लिए यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है करस्पॉन्डेंट यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, पोस्टल एड्रेस विथ पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने फिलअप किया यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन पिन स्टेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है, लेकिन वैलिड होना चाहिए क्योंकि इसके थ्रू आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका कॉन्टैक्ट किया जाएगा। एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ इंक्लोजर पर यहाँ पर आप जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे यहाँ पर आपको देना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप जिस तक मेंशन करोगे उस तक मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे 10 का सर्टिफिकेट नहीं तो 10 का एडमिट कार्ड। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओबीसी का कास्ट फॉर्मेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है आर्म फोर्स का तो आपको देना पड़ेगा, एक्स सर्विस मैन का। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। तो उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है, जैसे बर्थ प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट, डोमिशियल, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा और इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पर नहीं लिखना है, प्लेस देना होगा। उसके बाद डेट आप जिस तारीख पर फिलअप करोगे उसका डेट यहाँ पर मेंशन करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है जिसके बीचों से आपको क्रॉस सिग्नेचर करना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड बताया गया है। तो दोस्तों ये आपकी डोमिशियल की एक सैम्पल कॉपी है जो आपको नियर बाय SDSU मिल जाएगा, किसी जगह आपको ऑफलाइन में मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन में फिलअप करते हो तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। आप जिस तारीख पर फिलअप करोगे इसका डेट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको गोल्ड स्टैम्प लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर होना मस्ट है। तो दोस्तों ये थी डोमिशियल की फॉर्मेट की सैंपल कॉपी है जिसके बारे में मैंने बता दिया। और इसके बारे में कैसे फिलअप करना है इसका जानकारी जानने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते, नहीं तो नियर बाय आपको SDO में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद ये OBC फॉर्मेट की कॉपी है, यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका डिवीजन जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपका स्टेट नेम लिखना पड़ेगा, आपका कम्युनिटी लिखना पड़ेगा, OBC A और OBC B यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है। आप कौन सी कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपका स्टेट नेम लिखना पड़ेगा, ही और शी यहाँ पर आपको मेल के फीमेल के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पर्सनल सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा column 3 पर। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट देना पड़ेगा आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस नेम लिखना पड़ेगा। ए फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और नहीं तो डिप्यूटी कमिश्नर से सील लगा के सिग्नेचर करा के आपको एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना होगा इसका फोटोकॉपी। तो सारे फॉर्म हो जाने के बाद यहाँ पर आपका अरेंज करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपका जो रेसिडेंशियल है इसका फोटोकॉपी देना होगा, इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो OBC है उसका फॉर्मेट के
नीचे यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर कराना है। उसके बाद आप जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप ने लिखा, इस डॉक्यूमेंट को आपको फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। आप जिस कलर पेन से आप फिलअप करोगे उसी कलर पेन से आपको डॉक्यूमेंट्स के नीचे यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके ऐसे ही सेल्फ अटेस्टेड करना है। जिस कलर पेन से आप फिलअप करोगे उसी कलर पेन से आपको सिग्नेचर कराना है। ये आपको ध्यान रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स के, यहाँ पर आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना है रनिंग हैंड का। उसके बाद यहाँ पर आपको दो एनवलप लेना होगा, टोटल आपको 3 एनवलप लेना होगा। ऐसे आपको एक एनवलप और ऐसे आपको और एक दो एनवलप ऐसे आपको लेना होगा, जिसके राइट साइड पे आपको ब्लू कलर से, यानी आप जिस कलर पेन से आप फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको 2 देकर आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ऐसे और एक एनवलप लेना होगा जिसके राइट साइड पे यहाँ पर 5 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। ऐसे ही आपको और एक एनवलप लाना होगा जिसके ऊपर आपको सेम टू सेम ऐसे ही करके 5 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना होगा। उसके बाद इस एनवलप के लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देकर आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको देना होगा। ध्यान रखना इसके लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देकर लिखना है क्योंकि इसके अंदर आपको एप्लीकेशन को भेजना होगा, और यहाँ पर 2 देकर आपको राइट साइड पे लिखना है क्योंकि इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा 2 देकर 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिख रेजिमेंट सिग्नल एनवेलप न्यू दिल्ली 10, और यहाँ पर उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देके सापरवाला लिखना होगा क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ सापरवाला के लिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा, इसका लास्ट डेट के पहले आपको इसको भेजना होगा। स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो 23 दिसंबर के पहले। तो इस एड्रेस को आपको 2 देकर यहाँ पर आपको लिखना होगा, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देके सापरवाला लिखना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपका अरेंज करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना आए, कि पिक्चर पे फोल्ड आने से आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है और आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस एनवेलप के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म और 2 एनवेलप जिसके अंदर आपको 5 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना है, इसको इसके अंदर आपको देकर इसको गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरु जी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उस पर जाकर आपको मैसेज कर लेना होगा, मैं वहाँ पर आपको आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आया दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।